दोनों एक साइड को देख रहे हैं। आगे चलो, वीडियो बना रहे हो गया। वाह कर्मचारी इस पद पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद उज्जैनी है। उज्जैनी जी किस पद पे हैं आप? मैं LA3 हूँ। यह होता है परिचय पत्र, ताकि आपको हमको पता चल सके कि संबंधित व्यक्ति किस विभाग से है। जैसे कि भाई के पास कार्ड नहीं, आप तुरंत कार्ड बनवाइए ताकि पता चले। इस सीट पर आप बैठ नहीं सकते, इस कुर्सी से उठिए। ये कुर्सी आपके पद का नहीं है, ये अपमान है उस कुर्सी का। बेशक खाली रहे वो, मैं आऊँगा फिर देखूंगा। अगर कोई भी बैठा रहेगा मैं निलंबन का आदेश मांगूंगा सीधा। क्या नाम बताया आपने? आनंद। उज्जैनी जी, आप ये जो पीड़ित आए हुए हैं ये उपभोक्ता है जी, आपको पता है कहाँ से आए? हाँ, बिला कछार। अभी बताएं बातचीत। हमने देखा है वहाँ जानकर, इनकी परेशानी को भी देखा और अभी बात भी करी है जी। इनका कहना है कि बिजली जो है, एक तो बिजली कटौती होती है, चलो गर्मियों के दिनों में आए दिन कटौती होती है, किंतु यह चीज़ें जरूरी हैं कि जितनी देर बिजली रहे कम से कम उतनी देर वह, जिस तरह से आप हवा खा रहे हैं यहाँ पे, यह पूरी वोल्टेज में जितना पर्याप्त वोल्टेज है जितना इसको वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज आप सबको मिल पाता है क्या? अभी आज जैसे भैया लोग ने बताया मेरे को कि 15 रोज जैसे हो रहा है, 10 से 15 रोज की हाफ लाइट चल रहा है। बोल के वहाँ का जो लाइनमैन है उसका मोबाइल खराब हो गया। बोले मैं किसी और के माध्यम से उनसे अभी कॉल करके बात किया कि प्रॉब्लम है क्या, बोल के कि इतने लोग क्यों इतने दिन से परेशान है। बोल के उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर का लग खराब है, वो सामान यहाँ पर अभी नहीं था, जो बाहर से मंगाया जा रहा है, हमारे अधिकारी ही ले जा रहे हैं। जो कि हमारा अधिकारी जो है दो जगह के प्रभार में है, एक दरी ग्रामीण का और दूसरा छुरी का। तो छुरी में अभी वो पदस्थ हैं, अभी वही। अच्छा, लो लाइट का समस्या जब होता है उसका क्या कारण है? ये देखिए, लो लाइट का इस कारण होता है क्योंकि अभी के डेट में लोग क्या है, पहले नॉर्मल पंखा में ही रह जाते हैं, लेकिन अभी क्या है एसी कूलर हर चीज लोड बढ़ जाता है। वोल्टेज जो है जब लोड बढ़ जाता है तो वोल्टेज डाउन हो जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर का जो है वह जो क्षमता है वह कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ानी चाहिए। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ानी चाहिए, लेकिन खाली ट्रांसफार्मर को ही लेके हम नहीं बोल सकते ना, उसमें विभिन्न पार्ट्स भी लगे रहते हैं जो उसकी कैपेसिटी को नहीं सहन कर पाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। यानी पार्ट्स की बदलाव की भी आवश्यकता। हाँ, जैसे कि अभी पता चला कि लग्स खराब है, उसको लाके हम अभी उसको हम चेंज करेंगे, पूरा वोल्टेज इनको मिलना प्राप्त हो जाएगा। कितने दिनों से समस्या झेल रहे हैं आप? आप कहाँ रहते हैं? मैं तो फिलहाल यहाँ का लाइन में हूँ, रहता हूँ CCB कॉलोनी में, और मेरा क्षेत्र है सतरंगा अजगर बाहर। वहाँ पे बिजली की व्यवस्था कैसी रहती है? अब ऐसा कि जो कि जंगली क्षेत्र है, हवा तूफान आता है तो कम से कम अपने को एक दिन संघर्ष करना पड़ता है। बाकी हम लिमरू तक किसी भी हालात में लाइन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिमरू में एक यदि इस तरह की लो लाइट की समस्या या फिर नो लाइट की समस्या, बिजली नहीं होने की समस्या जब आती है, तो कितने दिनों में आप अपने क्षेत्र की व्यवस्था बहाल करवा पाते हैं? हम तो तुरंत करने की कोशिश करते हैं। इनकी व्यवस्था 15 दिन से बहाल नहीं हो पा रही, ऐसा क्यों? सामान नहीं मिला होगा इस कारण है, जो कि और क्या समस्या है। वहाँ के जो लाइनमैन है उनका फोन अभी नहीं लग रहा था, इसी कारण मैं प्रॉपर इस चीज़ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मामले को संज्ञान में लेकर आप त्वरित कार्रवाई करें। और कितने दिनों में यह समस्या दुरुस्त हो सकती है? सामान आ गया बोले तो अभी शाम तक सभी लोग को फुल लाइट मिलने की, मतलब 100% तो नहीं बोलूंगा, किसी भी चीज़ का 100% नहीं होता है। आप प्रयास करेंगे, ईमानदारी से प्रयास कीजिए। वादे अक्सर टूट जाया करती हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। बहुत एक मशहूर फिल्म है ना जी, शराबी पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने कहा था, वादे तो कीजिए, कोशिशें तो कीजिए, वादे तो टूट ही जाते हैं। मैं एक चीज और सवाल पूछना चाहूंगा, यहाँ पर विभाग का अधिकारी, क्या नाम है? कंवर सर बोलते हैं। क्या उनका पद क्या है? जेई कनिष्ठ यंत्री बोलते हैं, है ना? वे अभी नदारत हैं, क्या छुट्टी में हैं या कहीं फील्ड में हैं या घर पर? नहीं, वो नदारत नहीं है। क्या है, हमारे के जो अधिकारी हैं जेई कनिष्ठ यंत्री जी, उनको दो जगह को प्रभार दिया है, ये अपना दरी ग्रामीण आता है और दूसरा छुरी। तो वो अभी छुरी में जो कि सामान का उनको संज्ञान हुआ, तो वो सामान कटघोरा से मंगा के अभी कुछ देर पहले कि सामान लेके चल देना बोल के बोले हैं। अब क्या है, कर्मचारी की कमी है, हाँ, अधिकारी की, इस कारण उनको दो जगह प्रभार दिए हैं, तो वो अभी अपने दूसरे जगह पे हैं। तो अभी लाइट माने अभी अगर मैं जाता हूँ जी और वे छुरी पर नहीं मिलते हैं, उसको क्या समझा जाएगा? छुरी तो नहीं बोल पाऊंगे, लेकिन रास्ते में मिल जाएंगे क्योंकि वो सामान लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब वो यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ नहीं, अब मेन ऑफिस अपना दर्री जोन है, वहाँ अभी आके सामान को देंगे, जो सामान को अपने को लेके अभी जिस लिए भाई लोग आए हुए हैं उनका समाधान करना है। तो चलिए, इसका मतलब यह है कि जेई महोदय के पास मामला यह आपने संज्ञान में डाल दिया है और इस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए वह भिड़ भी गए हैं। हाँ, तो संभवतः तब तो 100% ही हम माने कि इनकी बिजली की सुधार जो है आज
शुरू हो जाएगी, संभवतः कल तक तो दुरुस्त हो ही जाएगी। हो जाएगी। और आप सभी लोग को मैं बोलता हूँ, देखो मैं भी, हम लोग का क्या है, ड्यूटी ऐसा है कि हम दरी ग्रामीण में रहते हैं, हमारा कोई 8 घंटा का ड्यूटी नहीं रहता है, हमारा 24 घंटा का वर्कर रहता है। कभी भी लाइन फॉल्ट हुआ हमको जाना पड़ता है, चाहे वो रात को 12 रहे चाहे 1 बजे रहे। हम कभी कभी ऐसा है कि अपना रात हम सतरंगा में बिताते हैं, तो कभी जिनके लिए यह जानकारी नहीं थी, बिजली विभाग का जो कार्य है वह 24 घंटों के लिए होता है। और आप लोग समझ लीजिए, जब आप लोग खोजते हैं 11 बजे नहीं है, 12 बजे नहीं है, उनको होने की आवश्यकता है, और नहीं तो उन सबों का नंबर रखिए, क्योंकि यह नंबर पर कार्य करते हैं। लाइनमैन है, फोन उनको नहीं उठा रहे हैं, दिक्कत तो समस्या है। देखिए यह व्यवस्था उचित नहीं है। इस चीज के लिए आप सभी लोग को मैं ये बोलना चाहूंगा, लाइनमैन का तो रखे हैं नो डाउट, लाइनमैन के अतिरिक्त यहाँ और भी पदस्थ हैं, उनका भी एक नंबर रखिए। उठाते हैं अधिकारी भी नहीं उठा रहे हैं, कितने बार कल रात को फोन किया गया, कितने बार फोन किया गया पूछ लीजिए। जैसा कि आपने खुद बताया कि जो है 24 घंटे की हमारी वर्किंग होती है, दिन हो रात हो जब भी कोई समस्या आए, तो आप यदि कार्यालय में ना मिले तो आपको पीड़ित क्या करेगा, फोन करेगा। और फोन पर ही आप नहीं आते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, तो गैर जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं, मैं आपकी, देखिए आप पर्सनल बात नहीं कर रहा, नहीं पर्सनल बात, लेकिन जो भी व्यक्ति है अगर वह फोन नहीं उठाए जी, तो गैर जिम्मेदारी है कि जी जी। लेकिन आप सभी लोग को ये बता दूंगा, 15 दिन के लिए हुआ वो चीज मेरे नॉलेज में भी नहीं था। और लेकिन एक चीज बता देता हूँ, नॉलेज में कैसे होगा साहब, जब फोन ही नहीं उठाएंगे, कार्यालय में ही नहीं मिले। यहाँ तो मैं छोटा कर्मचारी हूँ, अधिकारी तो नहीं हूँ, बट ये बताना चाहूंगा, अभी जो हमको जैसे शाम को मौसम खराब हो जा रहा है, तो इतना हमको दबाव आ रहा है कि हमारा एक ही जगह लाइन नहीं है, एकमात्र बिला कछार नहीं है, हमें ऐसा ऐसा कई जगह को देखना पड़ता है। तो 15 दिन से वेट कर रहे हैं बिला कछार वाले, मेरी इतना समझदार है, आप 15 दिन से अगर वो झेल रहे हैं, सुनिए आप अगर वह 15 दिन से इस तकलीफ में है, आपके घर अगर 1 दिन लाइट गोल हो जाए तो आप 1 दिन में दुरुस्त करवा लेते हैं। एक मेरी बात आप फिनिश करने दीजिए, आपकी मैंने सुनी है, अगर 15 दिन तक यह इंतजार कर रहे हैं, मतलब धैर्यता है, समझदारी है, पेशेंस तो है बिला कछार वालों, ये तो अब यह 16वां दिन तक उम्मीद कर सकते हैं कि बिजली आ जाए, दुरुस्त हो जाए। मैं आपको परसेंटेज भी बता चुका हूँ, संबंधित विभाग का अधिकारी नहीं है, इसलिए आप हैं और आप मुझे समझदार मालूम हो रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वरना इस कदर से मैं सवाल पूछता ही नहीं। अब इससे पूछ ले, पहले मैंने किस तरह से बात की है इनसे आप समझ लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है आपके सटीक जवाब मुझे प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत ही बेहतर तरीके से बात कर रहा हूँ। अब मैं आपसे उम्मीद करूँ कि 16वें दिन तक इनको बिजली मिल सकती है? उम्मीद नहीं, मैं आज ही आपको शाम तक, और इसलिए नहीं कि आप इतने संख्या में आए हो, इसलिए क्योंकि जो लड़का का वहाँ का जो क्षेत्र देखते हैं, दो लोग आप नाम बोले हो, एक तो छुट्टी में है, दूसरा भी कहाँ है पता नहीं, लेकिन इस चीज़ का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं कहीं से भी उस सामान का व्यवस्था करके आपको मैं शाम तक फुल वोल्टेज वहाँ मैं आपको देता हूं। पर जो आपने कहा ये आपके 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 बात का मैं सम्मान करता हूँ कि अगर आपने इनकी समस्याओं को समझा, और जो संख्या में आए हैं वह किसी पर जो है मारपीट करने नहीं आता है, कोई व्यक्ति एक अपने बात को एक बोले दो बोले कोई तीसरा भूल जाए तो चौथा बोले वह बात करने के लिए आते हैं, और आप समझ सकते हैं कि 30 से 35 की संख्या में यदि यह आए हैं तो क्या बेला कछार में 30 से 35 की संख्या है? नहीं, बहुत अपना अधिकार मांगा, यदि इतने लोग आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि घर का कोई समझदार कोई जागरूक इस तरह से लोग आए हैं और आपसे निवेदन करने आए हैं। तो इसी चीज को मैं भाई लोग को, 15 दिन से बंद है तो 5 दिन के अंदर 2 लोग भी आके यहाँ अगर इस चीज को रखते तो मेरे ख्याल से अगले दिन समाधान हो जाता, लेकिन फोन कहीं भरोसे मत रहिए, अगर नहीं तो होता आप है, सब इनका ज्ञानी क्या नाम है अपना, उज्जैनी जी का नंबर आप सबों ने रख लीजिए आप, और बाकियों का भी नंबर आपके पास होगा ही, और बाकी मैं जेई से भी बात करूंगा कि जेई सर भी थोड़ा सा फोन वोन उठाने की तकलीफ और जहमत उठाएं, जब इतना भार मिला हुआ है उनको। आप सब के फोन उठाते हैं कि नहीं जेई सर? जैसे कि मीटिंग में रहेंगे या कहीं व्यस्त रहेंगे तो नहीं रिसीव करते, बाकी कॉल बैक करते हैं। हाँ, जैसे कि थोड़ा लेट हो जाता है कॉल बैक में, बाकी खाली रहते हैं तो निश्चित वो रिसीव करते हैं। तो यह है कि उपभोक्ता आपको अगर फोन कर देता है तो उपभोक्ता तक मामले को आप पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, ये चीजें तो है। तो आप लोग जेई को परेशान करने से बेहतर है कि आप संबंधित एक छोटे जो कर्मी होते हैं, जो उनका जो एक जरिया होते हैं उनको बात पहुंचाने तक का, उनसे आप जो है उनको कॉल कीजिए। धन्यवाद, आशा करते हैं कि संबंधित विभाग मामले को संज्ञान में लेकर, जैसा कि भाई ने जो है इसके लिए वचनबद्ध हुए हैं कि वह 16वां दिन है तो हो जाएगा तो बेहतर है, और भविष्य में इस तरह से चीज़ें जो फोन नहीं उठाना और कर्मियों का जो है कुर्सी पर नहीं होना, यह कहीं ना कहीं जो है निराशाजनक चीज़ें हैं, इसे भी इस पर भी सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि संबंधित विभाग जो है अपने बेहतर कार्य को अंजाम दे रहा है इसका सीधा साधा और सही प्रमाण प्राप्त हो सके। धन्यवाद, कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।